लेकिन जब सेंगोल की अगर हम बात करते हैं, वो राजदंड है। राजदंड का लोकतंत्र में स्थापित करना ये उचित नहीं है, ये याद दिलाता है राजतंत्र की। यानी कि एक तरफ तो हम भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, मोदी जी खुद कहते हैं हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी लेकर आए हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मेरा पहले सवाल तो ले लो आप। जब मोदी जी खुद कह रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं, तो इस दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे बड़े लोकतंत्र में आप राजतंत्र की हमें याद क्यों दिला रहे हैं, सेंगोल जैसे राजदंड को स्थापित कर कर? पहली बात, अगर इस बात को लेकर ये आंदोलन छिड़ा है तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र की आत्मा को बनाए रखने के लिए ये आंदोलन बहुत ज़रूरी था। दूसरी बात, जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार संसद में बैठे जो सांसद हैं वो कानून बनाते हैं, वही निरस्त करते हैं। जिस तरीके से 131 सांसद जो SC और ST के बैठे हुए हैं, वो समाज के नहीं हैं, वो संगठनों के हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं या अन्य अन्य दलों के हैं, वो उन्हें समाज की नहीं पड़ी है। वो लोग हैं जिनको बाबा साहब ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बहुत पहले बोला था कि जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने समाज को धोखा दिया है, यानी कि मुझे धोखा दिया है, तो मुझसे यानी कि बाबा साहब का समाज से इसका मतलब था। उस समय जब बाबा साहब थे तो उन्हें धोखा दिया, लेकिन ये आज समाज को धोखा दे रहे हैं। ये जो यात्रा है समाज की जागृति के लिए, समाज के अधिकारों के हनन के बारे में बताने के लिए, उनके अधिकारों को प्राप्त करने के बारे में बताने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समाज धीरे धीरे ही जागता है, ये सामाजिक प्रक्रिया है, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, क्योंकि यहाँ मैन टू मैन चीज़ें समझाई जाती हैं। एक आदमी आदमी को समझाएगा तो चीज़ें समझ में आएंगी, लेकिन जो विरोधी विचारधारा है हमारी, उसका प्रचार TV से लेकर, अखबार से लेकर, मोबाइल से लेकर हर जगह होता है। हमारा प्रचार इस तरीके से नहीं होता, तो इसलिए हमें खुद ही खपना पड़ता है, हमें अपना पूरा जीवन लगाना पड़ता है। लेकिन गौतम जी, नई संसद बन गई, सेंगोल लग गया, उद्घाटन हो गया, सांसद बैठ गए, संविधान बांट दिया गया, उसमें क्या बहुत लेट नहीं हो गए? आप लकीर नहीं पीट रहे हो सेंगोल को लेकर? अब देखिए, जब जागे जब सवेरा, लेट और जल्दी का कोई सवाल नहीं बनता। ये कोई इशू नहीं है देश में। सुनिए, सामाजिक आंदोलन का लेट होना या जल्दी शुरू हो जाना ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप शुरू हो गए, आपने आंदोलन छेड़ दिया। अगर अब छेड़ा है तो इसका रिजल्ट भी आएगा। लेट हुए हैं तो लेट रिजल्ट आएगा, लेकिन आएगा, ज़रूर आएगा। जो उनको पावर मिली है उस पावर को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जिनके द्वारा बनाए गए हैं वो उनके नुमाइंदे हैं, वो उनकी बात मानेंगे, इसलिए वो अपनी मानसिकता से उनके गुलाम हो चुके हैं। वो आपका और हमारा काम नहीं करेंगे। गरीब जनता आपके सिवा सेंगोल का कोई विरोध नहीं कर रहा है? नहीं, किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। विरोध किया जा रहा है और ज़ोर शोर से किया जा रहा है। आज ये चिंगारी यहाँ तक पहुँची है और दिल्ली तक भी पहुँचेगी और आगे भी पहुँचेगी, और सबको एक साथ एकजुट कर खड़ा होकर उस चीज़ को करना पड़ेगा और उन्हें झुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, जो हमने बीड़ा उठाया है उस पर हम लोग जरूर सफल होंगे, कामयाब होंगे। जो सेंगोल स्थापित किया गया है वो अधिकारियों की देखरेख में हुआ है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सभी तो मौजूद थे, तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, जो पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी किसके नीचे काम कर रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए या मेरे लिए काम नहीं कर रहे वो? अगर वो आपके या मेरे लिए काम कर रहे होते तो पहले वहाँ पूछने से अच्छा था, अधिकारियों से, पदाधिकारी से, प्रधानमंत्री जी से, पहले वो जनता की राय लेते। जनता की किसी की राय नहीं ली, या फिर वो एक ऐसी समिति बनाते SC ST के OBC के, उनसे इस चीज़ का जिक्र किया जाता। हमारी एक राष्ट्रीय संस्था भी है ना SC ST। सेंगोल से SC ST को क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत कुछ नहीं है। आप ये समझिए, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने जिसको कॉन्स्टिट्यूशन को दिन रात जाग करके उसे लिखा है, कोई उन्होंने ऐसे नहीं लिखा, अपनी मर्जी से नहीं लिखा, अपनी सोच से, विचारधारा से, हर तरह से उसको परख के लिखा है। अब अगर वह चीज़ धीरे धीरे बदल जाएगी तो रही क्या जाएगा? आपके और हमारे हाथ में है क्या? बस संविधान भारत है, ये नया, ये नया भारत नहीं है, गुलाम का भारत है। कितने लोग जानते हैं नया भारत है? डिजिटल इंडिया। हमारे देश में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? मैं तो सोचता हूँ कि मेरे ख्याल 70% तो लोग अनपढ़ हैं आज भी। अगर डिजिटल इंडिया शहर में रहने से ही होता है तो उनसे पूछो ना गांव में जा करके, वो डिजिटल इंडिया क्या करते हैं, क्या है डिजिटल इंडिया? जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है क्या उसे यूज़ कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है? सेंगोल के मामले में लगता नहीं है आप लेट हो गए बहुत ज़्यादा? नई संसद में जो है सांसद बैठने भी लगे हैं। तो देखिए, ये जो सरकार है गूंगे अंधे बहरों की सरकार है, ऐसा नहीं है कि ये कदम आज उठाया गया है, कदम तो बहुत पहले से ही उठा दिया गया था और ये सोशल मीडिया पर भी चल रहा था, मगर ये गूंगे बहरों की सरकार है इसलिए उन तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है। और देखिए, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप इस उसमें आप हमारे साथ आए, हमारी बात आगे तक पहुंचा रहे हैं, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही मैं
पत्रकारों से प्रेयर करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ, वो भी आ गया है और इस बात को आगे तक ले। मेनस्ट्रीम मीडिया में कहीं खबर नहीं है कि सेंगोल हटना चाहिए या उसका विरोध कहीं होता दिख रहा नहीं रहा? विरोध कहाँ से नज़र आएगा? अगर आप हमारी बात आगे पहुँचाएंगे तभी तो विरोध नज़र आएगा। मैंने पहले भी कहा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस चीज़ को हमारी आगे लेकर जा रहे हैं। उन पत्रकारों को भी आना चाहिए, इस चीज़ को समझना चाहिए, वो भी तो हमारी एक जनता का ही हिस्सा है। अच्छा वकील साहब, सेंगोल स्थापित हो गया है नए संसद में, विरोध शुरू हो गया है इसका, कल्पना बहुत इसका विरोध कर रही है सेंगोल का, क्या दिक्कत है आपको सेंगोल से? नहीं, सेंगोल से जिस प्रकार आपने हमसे जवाब पूछा है कि सेंगोल से क्या दिक्कत है, तो प्रधानमंत्री जी से भी ये पूछा जाए कि अशोक की लार या बाबा साहब की एक तस्वीर वहाँ लगा दी जाए तो सरकार को क्या दिक्कत है? जब संपूर्ण विश्व ने बाबा साहब को सिंबल ऑफ नॉलेज माना है तो भारत के जो लोग हैं सभी उसका समर्थन करते हैं। अब से पहली जो संसद थी या देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी बाबा साहब के चित्र लगे हुए हैं। अगर एक स्टैचू लगा दिया जाए या जो अशोक की लार थी उसे स्थापित कर दिया जाए तो देश की सरकार को परेशानी क्या है? तो ये तो जो सांसद बैठे हैं, भारत की पहचान है, ये जो अशोक की लार है आज़ाद भारत की पहचान है। गुलाम भारत में वो नहीं थी। जब बाबा साहब ने इसको लिखा था कि इसे का होना अनिवार्य है तो संविधान सभा थी एक, उसमें बहुत सारे लोग थे। तो ये मांग आपके सांसद क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार से? सरकार से जो सांसद हैं वो इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें बिल्कुल इस तरह से बिठाया हुआ है, गुड्डे की तरह काम कर रहे हैं वो। जो उनसे बोला जा रहा है उसी पर जवाब दीजिए। जो सरकार के अंदर मंत्री संतरी बैठे हुए हैं या विधायक सांसद, उन्हें दो ही काम हैं, या तो जाति या धर्म। ना तो वो महंगाई पर बात करते हैं, ना वो शिक्षा पर बात करते हैं, ना ही बेरोजगारी पर बात करते हैं। ओनली फॉर जाति धर्म और मंदिर। जाति और धर्म और मंदिर से किसी का पेट या घर नहीं चलता। वो ना वो संविधान की बात करते हैं, जबकि प्रत्येक सांसद और प्रत्येक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या क्षेत्रीय पार्षद से लेकर ग्राम प्रधान तक जब पद पर जीतने के बाद जाता है और उसकी शपथ लेता है तो संविधान को साक्षी मानकर शपथ लेता है। मोदी जी भी कहते हैं मैं संविधान की वजह से यहाँ पहुँचा हूँ संसद में, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं करते वो संविधान का। कहाँ सम्मान कर रहे हैं? अगर वो सम्मान करते तो चुमा था उसको संसद की चौखट को, संसद की वो तो एक दिखावा कर रखा है लोगों ने। जब संसद का वो इतना सम्मान करते हैं तो संसद किसके हिसाब से चल रही है? संविधान से। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा या विधान परिषद, सभी देश की जो असेंबली हैं वो सब संविधान के अनुरूप चल रही हैं। और वो संविधान किसने रचेता है? बाबा साहब के द्वारा रचित करा गया है। तो उन्हें स्टैचू लगाने में क्या प्रॉब्लम आई? मतलब अगर संसद से उन्हें प्यार है तो संविधान से इतनी दुश्मनी क्यों? दलितों का भला बाबा साहब के स्टैचू से होगा या कानूनों से उनके लिए योजना लाई जाए उनसे होगा? ये बात आपने सही बिल्कुल उठाई है कि बाबा साहब के जो संविधान है उससे तो देश का कल्याण, संपूर्ण देश का ही कल्याण होगा। लेकिन अब से पहले भी इस सरकार ने SC ST को समाप्त करा तो वो क्यों करा? एक्ट को समाप्त करने का क्या जरूरत थी? फिर आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे, उस समय पर भी संसद ने या लोकसभा राज्यसभा ने पूरी सहमति दी थी। लेकिन जब ईंट से ईंट बजने का नंबर आया तो वो संविधान मतलब कानून समाप्त करने के लिए छोड़ दिया और उसे पुनः लागू करना पड़ा। वही हाल आपने देखा होगा कृषि कानून बिल लागू करे, लोकसभा राज्यसभा से वो पास हुए, जब ईंट से ईंट बजी तो सरकार ने सोचा कब ईंट से ईंट बजनी शुरू। रोटी का आंदोलन था, उसमें लाखों लोग जुटे थे, आपके साथ कितने लोग जुट रहे हैं? हमारे साथ पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। जो कल्पना बोध जी ने जो आंदोलन की शुरुआत की है, करोड़ों लोगों का समर्थन मिल रहा है प्रत्येक जिले से, वकीलों से, डॉक्टर। आपके साथ में कितने लोग जुड़ रहे हैं बताना? अभी काफ़ी लोग हमारे पीछे भी हैं, दाएं बाएं भी, इधर उधर भी बैठे हुए हैं, मीडिया हाउस में बैठे हुए हैं। किस बात का है इकट्ठे क्यों नहीं हुए आप लोग? अभी कुछ लोग काम में, शाम को सभाएं लगी हुई हैं, कुछ लोग जो व्यवस्था बनाई जा रही है कार्यक्रमों की उसमें भी एकजुट हैं। 29 तारीख को जो आंदोलन होने जा रहा है जंतर मंतर पर, उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं। अगर सभी लोग इधर रहेंगे तो बाकी जो आंदोलन जारी है, अभी 20 डिस्ट्रिक्टों में और 20 का कार्यक्रम मतलब यात्रा निकाली जाएगी, उसकी तैयारियां भी चल रही हैं।